नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इसराइल और हमास के युद्ध को लेकर भारत में एक बार फिर हंगामा मचा है। हंगामा इसलिए क्योंकि विपक्ष हमेशा कटाक्ष करता रहा है मोदी सरकार के उस नीति को लेकर के जिसमें भारत एक साथ इसराइल और फिलिस्तीन को साधने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें भी डिवीजन है। भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि फिलिस्तीन के प्रति भारत पूरी तरह से समर्पित है, अपने उस वक्तव्य के प्रति जिसमें भारत स्वतंत्र और स्वायत्त फिलिस्तीन की हिमायत करता है, और फिलिस्तीनियों का काज अगर प्रभावित हो रहा है तो उनके सुरक्षा की भी गारंटी चाहता है, लेकिन साथ ही साथ इसराइलियों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। एक देश के रूप में इसराइल को भी पूरा अधिकार है अपने आत्मरक्षा के लिए किसी भी तरह के शस्त्र का इस्तेमाल करने का, और ये बिल्कुल साफ वर्जन है भारत सरकार का, क्योंकि 7 अक्टूबर के दिन जो कार्रवाई आतंकियों ने की थी, भारत सबसे पहला वो देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि आतंकियों का ये घृणित कृत्य स्तब्ध करने वाला है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। उसके बाद इंडिया अलायंस के धड़े की तरफ से और हर एक पक्ष की तरफ से जिसमें कांग्रेस मुख्य रूप से है, वहां से ये कहा गया दशकों से भारत की जो नीति रही है फिलिस्तीन को लेकर के उसको मोदी सरकार ने बदल दिया। इसमें सबसे प्रभावी भूमिका में वक्तव्य देने वाले या इसकी प्रतिक्रिया देने वाले में प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी रहे। अब एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी, पवार और प्रियंका गांधी उबाल पर हैं, सरगर्म हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर भारत की नीति को लेकर के उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और विदेश नीति पर ही सवाल उठा दिया है। मुद्दा कुछ इस तरह से था कि UN में एक रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था कि तत्काल वहां पर युद्ध विराम लागू कराया जाए, जिसमें अमेरिका सहित 14 देशों ने इसका विरोध किया। भारत इसमें न तो पक्ष में वोट दिया और न ही विपक्ष में, और 127 देशों ने युद्ध विराम की घोषणा की जाए, इसराइल उसको फॉलो करे, ये बात मांगी गई। ये प्रस्ताव पास भी हो गया, लेकिन इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी के उस देश में जहां अहिंसा के आधार पर फिलिस्तीन को मान्यता और उसके कॉज पर भारत ने हमेशा साथ देने की बात की, मोदी सरकार ने उस नीति को उलट दिया और फिलिस्तीनियों पर जो कुछ अत्याचार हो रहा है उसको मूक दर्शक बनकर के देख रही है। ये बहुत ही निंदनीय है और दुखद है। मोदी सरकार की विदेश नीति बहुत लचर है, इस पर मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए। शरद पवार ने भी कहा कि फिलिस्तीन की नीति जो कुछ भी अब तक के प्रधानमंत्रियों की रही है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वाजपेयी की भी नीति रही, उसके उलट मोदी सरकार ने फिलिस्तीनियों को यूं ही मरने देने पर छोड़ दिया। एक भारत राष्ट्र के रूप में वो कुछ नहीं बोल रहा है, विदेश नीति बदल गई। असदुद्दीन ओवैसी से 2 कदम आगे बढ़े, उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार की नीति इसलिए दोगलापन वाली है, ये शब्द उन्होंने बोला है, क्योंकि जॉर्डन के किंग से उन्होंने बात की और जब जॉर्डन के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पेश किया गया UN में तो भारत ने उसमें भाग ही नहीं लिया। भारत अपने को विश्वगुरु मानता है, पूरी दुनिया के हर एक देश हर नागरिक को अपना भाई मानता है, तो विश्वगुरु की वो भूमिका कहां गई, ये सवाल उठाया है ओवैसी ने। लेकिन सवाल ये है, और उस सवाल पर जो कुछ भी गिरिराज किशोर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है वो हर भारतीय का सवाल है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या ये नहीं दिखाई देता कि हमास के नेतृत्व में बाकायदा इसराइलियों पर अटैक किया गया था। हमास एक आतंकी संगठन है, वो कोई देशभक्त संगठन नहीं है, और ये सवाल वीके न्यूज ने भी उठाया पहली बार। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति भारत में चल रही है, और अब फिलिस्तीन के नाम पर ये इंडिया अलायंस के धड़े ये मांग कर रहे हैं कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है हमास सही कह रहा है और कर रहा है। अगर ये बात इंडिया अलायंस के धड़े कहते हैं तो क्या आतंकवाद पर जो भारत की नीति है उससे इंडिया अलायंस असहमत है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है।
क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के मुताबिक हमास के लोगों ने 7 अक्टूबर को जो कार्रवाई की उस पर वो चुप हैं, वो मौन हैं। लेकिन इजरायली बमबारी में 19 दिन में 7,000 से अधिक लोग मारे गए, ये परेशानी ओबैसी को भी है, पवार को भी है, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी है और मोदी सरकार की विदेश नीति पर इसलिए निशाना साध रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि ये देश हमास को समर्थन करता है क्या, ये इंडिया अलायंस को बताना पड़ेगा। और अगर नहीं करता तो क्या अपने किसी वक्तव्य में ये नेता ये नहीं जोड़ सकते कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जो किया वो घृणित कार्रवाई थी, आतंकी कृत्य था, इसलिए हमास को पूरी तरह से दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हमने आपको बताया था वोट बैंक की खातिर, क्योंकि कट्टरपंथी इस देश में बहुत प्रभावी भूमिका में हैं और 80-20 का जो खेल है उसमें 20-80 के खेल में 20 कहीं से बिखरे ना, उसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। शरद पवार भी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी, राहुल गांधी भी और ओबैसी तो खुल करके ही बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के यूएन में जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें भारत की नीति की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, यहाँ तक कि इसराइल और फिलिस्तीन भी भारत की नीति से सहमत हैं और इसलिए दोनों देशों की तरफ से भारत से संपर्क साधा गया है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि भारत की विदेश नीति कम से कम इस युद्ध के संदर्भ में बिल्कुल गलत है और फिलिस्तीनियों का समर्थन भारत नहीं कर रही है। मौके दर मौके वो इसराइलियों के साथ होकर के भारत के विदेश नीति का जो सिद्धांत है उसकी पूरी तरह से मुखालफत कर रही है मोदी सरकार। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ या ना तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।